श्री स्वामी नरोत्तमानंद गिरी वेद विद्यालय में महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के तत्वावधान में 17 से 31 मई तक शुक्ल यजुर्वेद के आचार्यों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेश कोर्स सम्पन्न हुआ। पूरे देश में उज्जैन के प्रतिष्ठान परिसर समेत 5 स्थानों पर यह रिफ्रेश कोर्स कराया गया। प्रयागराज के सेंटर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में संचालित वेद पाठशालाओं के 60 वेदपाठी विद्वानों ने हिस्सा लिया। ये जानकारी कार्यक्रम संयोजक श्री स्वामी नरोत्तमानंद गिरी वेद विद्यालय के प्राचार्य वेदमूर्ति ब्रजमोहन पांडेय ने देते हुए बताया कि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन वेद पारायण, संहिता पाठ, पद पाठ, विकृति पाठ, घन पाठ, नित्य विधि एवं ब्रह्मज्ञ, वैदिक गणित सहित विभिन्न आधुनिक विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, चर्चा, वेद छात्रों के लिए कंप्यूटर अध्ययन की उपयोगिता आदि की जानकारी दी गई। अध्यापकों को नोट्स व आदर्श प्रश्न पत्रों के बारे में बताया गया और विद्यालय प्रबंधन व संचालन नियमों की जानकारी दी गई। वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सहायक निदेशक संजय श्रीवास्तव ने गूगल मीट के माध्यम से समापन सत्र को संबोधित किया। बताया कि सेवारत वेद शिक्षकों को नई शिक्षण और अनुसंधान विधियों, अनुशासन, विद्यालय प्रबंधन, छात्रों के मनोविज्ञान से परिचित कराकर उनकी मदद करने को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय पूरे देश में मौजूद वेद पाठशालाओं व शिक्षण संस्थानों में विभिन्न राज्यों के हजारों बच्चे वेद के साथ पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, ज्योतिष, कर्मकांड और कंप्यूटर को भी चलाना सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन किया है जो CBSE के समकक्ष है। वर्तमान में आधिकारिक रूप से वेद पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या करीब 8,200 है। इस साल पूरे देश से करीब 1200 वेद छात्र स्कूली शिक्षा पूरी कर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक श्री स्वामी नरोत्तमानंद गिरी वेद विद्यालय के प्राचार्य वेदमूर्ति ब्रजमोहन पांडेय ने कहा कि हमारी परंपरा व आध्यात्मिकता तथा वर्तमान आधुनिकता के बीच समन्वय स्थापित करते हुए वैदिक ऋचाओं के भावों को आज के परिप्रेक्ष्य में सहज एवं सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया। विगत 15 दिनों में संहिता पाठ, स्वर संचालन आदि की व्यवहारिक त्रुटियों को बारीकी से समझाकर दूर किया गया। उन्होंने कहा कि वेद सनातन धर्म का मुख्य आधार है और इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। वर्तमान सचिव प्रो विरूपाक्ष वी जड्डीपाल के नेतृत्व में प्रतिष्ठान ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र ने वेदों में विज्ञान विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि वेद में विज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार का ज्ञान सूत्र रूप में विद्यमान है। BHU के व्याकरण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भगवत चरण शुक्ल ने वेदांग, कल्प, छंद, निरुक्त विषय पर व्याख्यान दिया। CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार मौर्य ने बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और प्रयोगात्मक विधियों पर व्याख्यान में प्रतिभागियों को बच्चों की मानसिक, व्यवहारिक व संज्ञानात्मक स्थितियों को समझने के उपयोगी टिप्स बताए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जय सिंह ने शिक्षा मनोविज्ञान व बाल विकास पर व्याख्यान दिया। EVV संस्कृत विभाग के पूर्व प्रोफेसर राम किशोर शास्त्री ने संस्कृत साहित्य में वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला। वैदिक गणित व्याख्यान के तहत विशेषज्ञों ने बताया कि घंटों लगने वाली गणनाएं वैदिक गणित की मदद से कुछ ही मिनटों में संभव हो चुकी हैं। शोध के लिए वैदिक विज्ञान के उपयोग से वैज्ञानिक नवाचार और प्रौद्योगिकी अधिक सफल हो सकती है। अथर्ववेद, जिसे जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है, ने गणित को सरल बनाया है। कार्यक्रम का संयोजन ब्रजमोहन पांडे और खिमलाल न्योपाने ने किया। वरिष्ठ आचार्य खिमलाल न्योपाने ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रतिष्ठान की तरफ से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के पंडित राकेश शर्मा समन्वयक एवं वेद शाखा प्रशिक्षण राधेश्याम पाठक ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जीवन उपाध्याय, गौरव जोशी, कृष्ण कुमार मिश्र, शिवानंद द्विवेदी, अवनी सिंह, अंजनी कुमार सिंह, अवनी सिंह आदि ने योगदान दिया।